मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका से आप अपने Instagram अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे Instagram एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल, आपको सिंपल सा इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कोने में थ्री लाइन, आपको सिंपल सा इस थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कर देनी है और उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है अकाउंट सेंटर, आपको सिंपल सा अकाउंट सेंटर के ऊपर क्लिक कर देनी है। और उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है पर्सनल डिटेल, आपको सिंपल सा इसी पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक फिर नया पेज ओपन होगा। इस बार अपने इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे ये सेकेंड वाले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, अगर इसी से आपका फेसबुक बना होगा तो फेसबुक आ जाएगा और इंस्टाग्राम भी, तो आपको इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे इसको क्लिक करके रखना है और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड देना है, इंस्टाग्राम के पासवर्ड को दे देने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देनी है। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक रीजन को सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस रीजन से इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले को जस्ट नीड ए ब्रेक के ऊपर क्लिक करके इसको टिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देनी है। और जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं 7 दिन, यहाँ पे आप अपना डे को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना दिन के लिए डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7 डे लिखा हुआ है, मैं 7 दिन के लिए डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन होगा जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है डीएक्टिवेट अकाउंट। तो आपको सिंपल सा डीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही डीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका अकाउंट होगा जो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी तरीका से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।